बाकी गाना एवरेज है, पर भाईजान का लुक स्टेप के बारे में कुछ बोलना है कि भाईजान भाई जगह पे ही नाचते और फाड़ी देते, सिनेमा पार देते जगह पे नाच के, तो मजा आता है। गाना अभी ये गाना जो है ना एकदम 90s का याद दिलाता है, और हालांकि बॉलीवुड में ना बहुत सालों बाद ऐसा कोई। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड में आने वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों बॉलीवुड के दबंग खान, बॉलीवुड के सुल्तान बोले तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की अपकमिंग मूवी जो कि किसी का भाई किसी की जान का नहीं हो लगता सॉन्ग, जो कि 1 वीक पूरे हो गए हैं दोस्तों रिलीज होकर। लेकिन हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे टॉम और जेरी भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोग बहुत लेट क्यों कर रहे हैं इसका रिएक्शन, तो इसकी वजह आपको बता दूं दोस्तों, 4 दिन तो ये लोग हम गायब ही थे मंडे से, एक हफ्ते बोल सकते हैं। बीच में हमारे टॉम भाई मिले, लेकिन हमारे दिमाग से उतर गया था कि यार इसका रिएक्शन लो, और बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कहाँ है, तो फाइनली जाके आज याद आया, बोले चलो भाई लोग का तो रिएक्शन बनता ही है। तो चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपको कैसी लगी ये सॉन्ग। तो सलमान भाई जान का एक गाना निकला है, किसी का भाई किसी का जान को नहीं हो लगता। हालांकि बहुत टाइम हो गया इसका वीडियो बनाने के लिए, फिर तो हम लोग ने देखा है गाना, पहले तो उसका टीज़र आया, जो टीज़र एकदम धमाका था, फाड़ दिया टीज़र ने, मतलब सलमान भाई का वही जो मतलब लुक था, जो एक्शन था, वही सब में रिटर्न आ गई है। पर अभी गाना आ गया उनका एक निकाला, नहीं हो लग रहा। पहले बात था सलमान भाई ने इस पर नया ट्रेंड निकाला, मतलब जैसे कि साउथ वाले लोग करते हैं कि पहले गाना निकालो, टीज़र निकालो, फिर ट्रेलर निकालो, वैसे शाहरुख खान ने अभी हालांकि पठान में भी किया था पहले, तो अभी सलमान भाई भाईजान भी वैसे ही कर रहे। तो अभी लोगों ने नया ट्रेंड निकाल के पहले गाने निकाले, बाद में हम लोग ट्रेलर निकालेंगे। पर अभी गाना आया नया लग रहा, नया लग रहा कि पहले एक बात बोलूँ, सलमान भाई का नया हुकअप स्टेप आया है जो बहुत ट्रोल हो रहा है, हालांकि मैं देखा हूँ ठीक है, पर वो बंदा ऐसा है ना कि अपना हुकअप स्टेप जो बताते हैं ना एकदम अलग वे में बताते हैं कि ऑडियंस को सिटी मारने रहता है। पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका नया लग रहा का स्टेप हुकअप जो जुम्मे की रात में उन्होंने किया था ना स्टेप, मज़ा आ जाता था जुम्मे की रात सुनने। आज भी वो स्टेप पब्लिक नाचती हो वैसा स्टेप पकड़ के, जुम्मे की रात हो या फिर वो जीने के 4 दिन बाले भाई हमारे, उसको तो मालूम ही हो जीने के 4 दिन, फिर हमारा हुड हुड दबंग, तो वो सब मतलब स्टेप जो थे ना मजा आता था। पर ये स्टेप थोड़ा मतलब वो लगा कि यार ये स्टेप वो मजा नहीं आया, भले अगर जैसे कि आप बॉडी गार्ड ये सब देखो कि सब बॉडी हिलाते हैं वो सब हिलाते, तो इनको कुछ अलग लाना चाहता इसमें, क्या वो ट्रोल क्यों हो रहा है कि वो सिर्फ ऐसा 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 कर रहे हैं ऐसा ऐसा, तो मतलब पब्लिक वो बोल रहे हैं कि यार क्या। मैंने सुना भी एक बंदे के मुँह से कि बोल रहे कि सलमान भाई स्कूल में गए बच्चे लोग को कुछ डोनेशन करने के लिए, और वहाँ पे टीचर एक बच्चे को पनिशमेंट दे रहे थे कि भाई तेरे को ऐसा नील डाउन होके आना है, और सलमान भाई ने देख लिया, बोले मेरा मूवी का यही स्टेप रहेगा अभी हुआ। पर उसमें दाढ़ी कम थी और इसमें दाढ़ी बढ़ा के रखा है, हालांकि अंतिम में भी बीच में हम लोग देखा था वैसा लुक, तो लुक तो बहुत मस्त लग रहा है उनका, कुछ नयापन दिख रहा है। गाना बोलू तो थोड़ा ओके लगा, मतलब एकदम मतलब बोले तो 90s से हमारे का है, पर थोड़ा स्लो, बहुत स्लो है, मतलब सलमान भाई के गाने मतलब बोले तो एकदम जोश रहते, मज़ा आ जाता, फाड़ देता है। हालांकि अभी हैंगओवर गाना देख लो आप, इसमें किक में मज़ा नहीं आता, वो क्या स्टेप था, सिर्फ इतना स्टेप था, फिर भी क्या मज़ा नहीं आता है नाचने के लिए। फिर लास्ट ईयर वो कौन सा अपना राधे में भी गाना अच्छा था, सिटी मार भी चलो ठीक है, उन्होंने अल्लू अर्जुन को तो टक्कर नहीं मारा, फिर भी वो अपना स्टेप जो मारते हैं वही मारा। अब गाना थोड़ा एवरेज लगा मेरे को, इतना मजा नहीं है, पर हुकअप स्टेप तो भाई सलमान भाई का वो हुकअप में भी ना सिटी बजेगी थिएटर में, ये तो मालूम है, ये तो फिक्स है। अब गाना थोड़ा एवरेज लगा, बाकी ठीक है सलमान भाई का लुक है। पूजा हेगड़े बोले तो थोड़ा मतलब ओके लग रही, इतना मतलब जो उनका अल्लाह भाई कुर्ता सब पिक्चर में जो एकदम क्यूट था, इसमें थोड़ा कम लग रहा है, इतना मतलब वड़ा पाव के सामने दबेली, इसमें मतलब बोले तो सिर्फ उन्होंने इतना ड्रेस पहन के बस कमर ही भर दिखाया, बाकी वो मजा नहीं आया। अभी देखते हो पिक्चर में हालांकि कैसे दिखेगी, हालांकि क्यूट तो सर्कस पिक्चर में भी लग रही थी साड़ी वीडी में, पर थोड़ा इसमें ओके लगा। अभी सलमान भाई के फैंस लोग बोले कि यार क्या यार तो इतना सब पॉजिटिव नेगेटिव होने का, मतलब जो कमी गिर रहा है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी गाना एवरेज है। पर भाईजान का लुक स्टेप के बारे में कुछ बोलना है कि भाईजान भाई जगह पे ही नाचते और फाड़ी देते, सिनेमा पार देते जगह पे नाच के, तो मज़ा आता है। अभी जब अभी ट्रेलर आएगा तभी वेट करता है दूसरा कौन सा, अभी तो कुछ लुंगी का भी गाना कुछ आने वाला है, तो उसका ज़्यादा वेट, उसमें तो कुछ हुकअप स्टेप दिया रहेगा, इसमें तो लुंगी का स्टेप कुछ दिया रहेगा वो एक्साइटमेंट है वो देखने वो क्या है, क्योंकि उसका फोटो भी निकला था, हाँ तो उसका देख रहे हैं, बाकी अभी जेरी भाई क्या बोलते हैं।
नहीं लगता अभी जो स्टारिंग है सलमान खान और पूजा हेगड़े। हालांकि इसका पहला टीजर निकला था जो बहुत धमाका मचाया, फिर बिग बॉस 16 जो सीजन 16 है उसमें पूरा गाना लॉन्च कर दिया, जो उसके बाद तो और ज्यादा चर्चे में चल गया, मतलब इतना कि हर कोई ये गाना डाल रहा है अभी। हालांकि इंस्टा के रील्स पे तो आया नहीं, बट जल्दी आ जाएगा मेरे को लग रहा है, और ये छपरी लोग ही बनाएंगे इसके। रील्स बनना रेडी हो गया यार, हो गया रील्स गया। चलो रील्स बन गए, सोचो हाँ रील्स भी बनना चालू हो गया। ज्यादा करके मैं बोल रहा हूँ ना, छपरी लोग इसमें बनाए रहेगा अभी सीधी बात, क्योंकि आजकल के असली कपल तो ये सब बनाते नहीं है, और बनाएंगे तो एक स्टोरी बना देते उन लोग। अभी इसको साइड में रखते हैं, नहीं हो लगता जब गाना, अभी ये गाना जो है ना एकदम 90s का याद दिलाता है, और हालांकि बॉलीवुड में ना बहुत सालों बाद ऐसा कोई गाना निकला है जो 90s का टाइप है, जैसा लंबे बाल रखना हो और सामने एक खूबसूरत है लेडी जो उसके साथ बोल रहा है रोमांस, मतलब वो वैसा तो लगा नहीं बट ठीक है, बट 90s का गाना लगा, एक स्लो मोशन जैसा चाहिए रहता था, बट बहुत 90s का फीलिंग। एक मतलब एक गाना था जो दम लगा कि आयुष्मान का था धड़कड़ा, वो एक वो 90s का मजा था, तुमसे मिले दिल को करार आया, तो वैसा भी इसमें अभी आया। बाकी जो स्टेप्स इसमें है तो स्टेप्स तो क्या बोलूं, मतलब अलग ही हटके लेके आया। पब्लिक तो बहुत जन ने बोला रहेगा कि भाई का लेग डे, इसके लिए लेग मार रहे लेग मारना भूल गया तो चलो सेट पे मार लेता हूँ ऐसा तो ऐसा स्टेप है, तो फिर भी बहुत अच्छा है। और पीछे जो बैकग्राउंड लिया है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड मेरे को उसका याद दिला है सिंगिस किंग का, जहाँ पे कटरीना कैफ और अक्षय कुमार का सॉन्ग था, वो मेरे को याद दिलाया था। बाकी सेट खतरनाक है, गाना भी खतरनाक है, और सबसे बड़ी बात ये गाने ने ना मोस्ट विलियन व्यू कमाया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा, बट जब ये गाना सिर्फ टीजर निकला, पठान के गाना सबके गाने को फाड़ के सीधा ऊपर पहुंच गया, सबसे पहली बार नंबर वन पे सलमान भाई आते हैं ना। हाँ, और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहेगा कि ऐसा गाना निकल गया और सलमान भाई सब फाड़ देंगे, सबसे पहले पोजीशन पे आएंगे। तो सोचो गाना ये पहले पोजीशन पे आएगा, तो पिक्चर जब निकली तो पब्लिक क्या पागल होगी क्या, मतलब एक टाइप से तो वो त्यौहार ही बन जाएगा। और सलमान खान इतने साल बाद आ रहा है जबकि बहुत पोस्टपोन करने के बाद, तो मेरे को लग रहा है अभी जिस तरीके से गाना निकला पब्लिक और एक्साइटमेंट हो रहा है किसी का भाई किसी की जान के लिए। तो देखते हैं अभी ईद में आ रहा है तो क्या धमाका मचेगा। ईद तो धमाका मचाएगी, दबा के धमाका मचेगा, तो सलमान भाई 2-3 साल से दिखी नहीं रही ईद में, और पोस्टपोन भी क्या उतना मूवी को डेट में, तो देखते हैं, वेट करते थैंक यू सो मच। थैंक यू।